नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल भारत का और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। देश के सबसे बड़े राज्य की सियासत अजीब और गरीब है। यहाँ कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन, इसे समझने में सियासी पंडितों के सर चकरा गए हैं। यही हाल 2019 के चुनाव का है। इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन बना और मोदी को मात देने के लिए दो धुर विरोधी एक साथ आ गए, समाजवादी पार्टी और बीएसपी। वहीं कांग्रेस इस बार एकला चलो की नीति अपना रही है, लड़ाई अस्तित्व की है। विपक्ष ने अपना पूरा जोर लगा रखा है, लेकिन मोदी को टक्कर देते देते अब विपक्ष आपस में ही भिड़ गया है। कल तक जो विपक्ष मिलकर बीजेपी और मोदी पर निशाना साध रहा था, वो अब एक दूसरे से उलझ पड़ा है। कल राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान मायावती और अखिलेश पर निशाना साधा और कहा कि दोनों के रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी पीएम के पास हैं। बस फिर क्या था, राहुल के बयान पर अखिलेश और मायावती दोनों भड़क उठे, आज राहुल पर पलटवार किया। सवाल भारत का मैं इसलिए आज का हमारा पहला सवाल, राहुल के रिमोट वाले बयान पर क्यों भड़के अखिलेश यादव और मायावती। हाल यह है कि उत्तर प्रदेश में अब यह समझ नहीं आ रहा कि कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ खड़ा है। मोदी के खिलाफ खड़ा विपक्ष ही अब एक दूसरे पर वार पलटवार के चक्र में फंसा हुआ है। आज का हमारा दूसरा सवाल, भारत का दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश के सियासी समर में कौन किसका दोस्त, कौन किसका दुश्मन। बड़ी ही अबूझ अजीबोगरीब पहेली है ये। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर एक साथ हमला बोला और कहा कि दोनों ही पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सुनिए, कांग्रेस व बीजेपी ये कतई नहीं चाहते हैं कि देश में जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी व्यवस्था के शिकार लोग केंद्र व राज्यों की सत्ता में आसीन हों। इसलिए हमारी पार्टी शुरू से ही इन दोनों पार्टियों को एक ही थाली के चट्टे बट्टे ही मानकर चलती है, जो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मायावती कहती है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उनके सहयोगी महागठबंधन के दूसरे साथी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आज राहुल के रिमोट कंट्रोल वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में कोई फर्क नहीं है। सुनिए, मैं तो केवल इतना कहूंगा आपके से कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी। वैसे तो हमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है, मायावती जी का चुनाव चिन्ह हाथी है। ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कंट्रोल करने की बात नहीं हो सकती राजनीति में। इससे पहले कल एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने पहली बार महागठबंधन को निशाने पर लिया था, उसी के रिएक्शंस आप सुन रहे थे। राहुल ने अखिलेश और मायावती दोनों पर हमला बोला था और कहा था कि अखिलेश और मायावती का रिमोट मोदी के हाथों में है। मैं नहीं डरता नरेंद्र मोदी से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई डरता है तो नरेंद्र मोदी डरता है, ठीक है। मगर मायावती जी और अखिलेश यादव जी का कंट्रोलर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। उधर प्रियंका गांधी के एक बयान के बाद ही सियासी हंगामा हो रहा है। प्रियंका ने कल बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना ही उनका एकमात्र मकसद है। प्रियंका ने कहा कि जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूत है वहां से तो जीतेंगे ही, लेकिन जहां कांग्रेस उम्मीदवार थोड़े हल्के हैं वहां ऐसे उम्मीदवार दिए हैं जो बीजेपी का वोट काटेंगे। नहीं, मेरी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, 2019 में बीजेपी को यहाँ से हराना है। यहाँ से यानी अमेठी से या उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश से। बिल्कुल, बीजेपी बीजेपी बुरी तरह उत्तर प्रदेश में पीछे जाएगी, बहुत बुरी तरह हारेगी। और ये बहुत स्पष्ट है कि जहाँ हमारे उम्मीदवार अच्छा लड़ रहे हैं वहाँ, और जहाँ मजबूत है वहाँ कांग्रेस जीतेगी, जहाँ हमारे उम्मीदवार थोड़े से हल्के हैं वहां पे हमने ऐसे उम्मीदवार दिए हैं जो बीजेपी का वोट काटते हैं। प्रियंका के इस वोट कटवा बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा। आज बीजेपी की तरफ से अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस एक फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन बन गई है और इसीलिए ये बयान सामने आया। और इलेक्टोरल स्ट्रेटजी की दृष्टि से भी ये जो कांग्रेस की नेता ने कल कहा कि हम वोट कटवा हैं, अब ये एक फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन बनने का एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है। तो महायुद्ध 2019 में यूपी के सियासी समर में कौन किसका दुश्मन है और कौन किसका दोस्त है, भाई
सबको कंफ्यूजन हो रहा है ये सब तमाम बयानबाजी से, और यही है हमारी आज की डिबेट का मुद्दा। मेरे साथ पैनल जुड़ चुका है, डॉक्टर सुब्रो कमल दत्ता राजनीतिक विश्लेषक, सत्य प्रकाश मिश्रा जेडीयू के प्रवक्ता, पल्लवी शर्मा कांग्रेस की प्रवक्ता, कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और अभिषेक यादव आरजेडी के प्रवक्ता स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले कपीश श्रीवास्तव के पास चलूंगी, समाजवादी पार्टी के पास। कपीश जी, मायावती कहती हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क ही नहीं, एक जैसे हैं, हमारा रिमोट किसी के हाथ में नहीं, तो फिर ऊंचा हार में समाजवादी पार्टी के मंच पर प्रियंका गांधी क्या कर रही थी, रायबरेली अमेठी में कांग्रेस के खिलाफ नहीं उतरे आप, तो क्या है, दोस्ती है दुश्मनी है, अगर दोनों एक जैसे हैं तो फिर ये सब क्या? शीतल जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, और इसका आंसर भी एकदम क्लियर कर देते हैं ताकि कोई भ्रम की स्थिति ना कोई फैला पावे और ना भ्रम रहे। देखिए, लोकतंत्र जो भारत का लोकतंत्र है उसकी यही खूबसूरती है कि निश्चित तौर पे अगर हमारी नीतियां एक दूसरे से नहीं मिलती हैं तो हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन जहां देश का सवाल होता है, जहां देश के संविधान का सवाल होता है, जहां सवाल इस बात का होता है कि एक अतिवादी दल देश के संविधान की जगह संघ का विधान लागू करने के लिए तत्पर हो और देश के संवैधानिक संस्थाओं के चूल्हा हिलाने का काम कर रहा हो, तो ऐसे में निश्चित रूप से वो सारे विपक्षी दल जो धर्म निरपेक्षता के आवरण के साथ होते हैं और विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, तो मतलब आप कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आप सबका मोटिव एक है, आप ये कहना चाह रहे हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी के इस बयान पर आपका क्या कहना है कि समाजवादी महागठबंधन का रिमोट मोदी के हाथ में है? नहीं, देखिए, बहुत सुचिता के साथ मैं एकदम क्लियर बात कहता हूं। शीतल राजपूत जी, देखिए, उन्होंने क्यों कहा, राहुल जी ने इसलिए कहा कि चौकीदार चोर है के नारे के साथ समाजवादी पार्टी या महागठबंधन क्यों नहीं खड़ा है, इसलिए वो कहते हैं कि ये लोगों का रिमोट जो है कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। और वो डॉक्टर दत्ता, क्या ये इन्होंने बिल्कुल नारे के साथ संदर्भ में था? और डॉक्टर दत्ता, मैंने समझता हूं सुन तो लीजिए, उन्होंने ये कहा कि निश्चित रूप से क्षेत्रीय ये दल हैं और कहीं ना कहीं से इनकी इनकी जो है वो नस दबती है भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई और आईडी और ईबी से, तो वो तो इनके जो 38 दल हैं वर्तमान में उसके साथ ये सारे दल, वैसे ये जितनी संस्थाएं हैं एजेंसीज हैं वो भारतीय जनता पार्टी के। तो फिर एक बात बताइए मुझे, तो खनन घोटाले का कपीश श्रीवास्तव, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी, एक बात मुझे बताइए अगर ये मामला इतना ही क्लियर था और राहुल गांधी के बयान पर आपको कोई आपत्ति नहीं है, आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं, तो फिर मायावती और अखिलेश यादव आज सुबह से ही क्यों हमलावर हो गए कांग्रेस पर और बीजेपी पर? नहीं, आपत्ति है इसीलिए हंगामा किया है। अगर आप दोनों ही बात कह रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, दोनों ही बात कह डाली आपत्ति है, आप दोनों ही बात कह डाली आपत्ति है। डॉक्टर, सुन तो लीजिए शीतल जी, पूरी बात आ जाने दीजिए, पूरी बात आ जाने दीजिए, आपके सामने एक पैनल बैठा हुआ, क्योंकि हमारी आधी बात रह जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जब इन्होंने पहले ये कहा कि ये इस नारे को इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि ये डरते हैं, हकीकत ये है कि ये हमारी समाजवादी पार्टी और गठबंधन शुचिता की राजनीति में विश्वास करता है। हम उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नहीं थे जब मनमोहन सिंह जी को संसद के अंदर कोयला चोर कहा गया, हम उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध किए जिस समय अखिलेश जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको टोटी चोर कहा गया, कभी भाई बहन की पार्टी, कभी माँ बाप की पार्टी, कभी जीजा साली की पार्टी, तो ये शुचिता की राजनीति नहीं है, इस देश में इसको नहीं सराहा जा सकता। भतीजा की तो जब हमने उनको नहीं सराहा तो हम इनके भी चोर की वकालत नहीं कर सकते। चलिए रिएक्शंस लेते हैं डॉक्टर दत्ता, क्या ये आपको संतुष्ट कर पाया ये इनका जवाब? मुझे लगता है कि कल के राहुल गांधी जी के बयान के बाद शायद कहीं ना कहीं पे सपा बसपा में एक कन्फ्यूजन की स्थिति है। कन्फ्यूजन इस बात के लिए है क्योंकि एक तो है कि 23 मई के बाद क्या होगा, उस पर किसकी आवश्यकता पड़ जाए और कौन किसके साथ जाए, ये अभी अपने आप में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। और ऐसे कन्फ्यूजन में कोई भी पार्टी किसी के भी साथ बिगड़ना भी नहीं चाहती,
संबंध बना के रखना चाहती है, पर उसके साथ साथ जब ऐसे बयान आ जाए उसका रिएक्शन भी अगर ना करे या रिएक्ट ना करे तो वो कहीं ना कहीं पे एक लाफिंग इमेज क्रिएट होता है। और इसीलिए सपा और बसपा के तमाम जितने सारे नेता हैं और प्रवक्ता हैं उनके बीच में कन्फ्यूजन की स्थिति है। अब मैं सीधा आता हूं राहुल गांधी के बयान पे। राहुल गांधी ने जो कहा कि सपा और बसपा का जो रिमोट कंट्रोल है या फिर रिमोट की जो चाबी है वो भाजपा के हाथ में है। राहुल गांधी जी श्रीमान, आपको क्या है ये बात 2 साल पहले पता नहीं था जब आप सपा के साथ गए थे, और तब तो बहुत यूपी को ये साथ पसंद है बहुत चल रहा था ये नारा। उस समय भी तो शायद आपको भनप हुआ होगा या फिर आपको पता हुआ होगा कि सपा का भी रिमोट कंट्रोल जो है वो भाजपा के हाथ में ही है, क्योंकि उस समय भी मोदी की सरकार थी। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि मायावती जी ने आज कहा कि थाली के चट्टे भट्टे हैं। अरे बहन जी, इस थाली के चट्टे भट्टे में तो आप भी शामिल थे। आप भूल गए कि आपने सार्वजनिक वे में गठबंधन किए थे भाजपा के साथ और चुनाव इकट्ठा लड़े थे और सरकार भी इकट्ठा आपने चलाया था। उसके बाद आप कांग्रेस के साथ भी आप गए और कांग्रेस के साथ मिलकर आपने सरकार चलाई, यूपीए सरकार को आपने समर्थन दिया, आपके मंत्री रहे यूपीए सरकार में। तो जब थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों के दोनों, कांग्रेस और भाजपा, और मतलब एक ही थाली के ये साइड और वो साइड है, तो उस थाली के चट्टे बट्टे में आप कैसे शामिल हो गए? और आज जो आप सपा के साथ चले गए, उस समय जब आपका दोनों बबुआ का जब समीकरण चल रहा था यूपी में और जब दोनों बबुआ एक साथ लड़ रहे थे, उस समय तो आप कोस कोस के गाली दे रहे थे उनमें से एक बाबू। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, मैं आ रही हूँ आपके पास एक छोटे से ब्रेक के लिए, मैं रुक रही हूँ, फिर पल्लवी शर्मा कुछ कहना चाहती है, सत्यप्रकाश मिश्रा, अभिषेक यादव को भी जोड़ूंगी। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए सवाल भारत का। वेलकम बैक। तो आज सवाल भारत का में हम डिबेट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या गड़बड़ झाला है। हमारे साथ हमारा पैनल है, पल्लवी शर्मा के पास चलूंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता बोलना चाह रही थी। पल्लवी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी शीतल जी, आइए डिबेट में। मायावती कहती है, शीतल जी, मायावती कहती है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अखिलेश कहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस एक ही जैसे हैं, हमारा रिमोट किसी के हाथ में नहीं, जैसा राहुल गांधी कहते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी उन्हीं के मंच पर दिखाई देती हैं ऊंचा हार में, आपस में अग्रीमेंट के तहत कुछ सीटों पर आपके उम्मीदवार आपने नहीं उतारे, कुछ सीटों पर महागठबंधन ने आपके खिलाफ जवाब दे दूं। जी जी जी, मैं जवाब दे दूं शीतल जी। हाँ, बहुत सिर्फ एक समानता बनाए रखने के लिए शीतल जी, और मेरी बिल्कुल टिप्पणी आप पे या आपके चैनल पर नहीं है। मैं जानती हूँ किस प्रकार आप बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से डिबेट और मुद्दे सामने रखते हैं देश के, लेकिन फिर भी एक समानता बनाए रखने के लिए, देश की मीडिया का आज बहुत बड़ा टुकड़ा है, जैसे दत्ता जी भी आपके चैनल पर अभी ब्रेक के बाद बोल रहे थे, तो बहुत हास्यास्पद है किस प्रकार इन्होंने एक लंबी फहरिस्त बनाई है। कब सपा ने बसपा के खिलाफ ये कहा, कब बसपा ने भाजपा के कांग्रेस के खिलाफ ये कहा, कब सपा और बसपा ने मिलके कांग्रेस पर वार किया, लेकिन इन्हें याद नहीं कि ये वही बीजेपी है जिसने कोस कोस कर कहा था कि नीतीश कुमार अगर बिहार में जीत जाएंगे तो पाकिस्तान में पटाखे फटेंगे। ये वही बीजेपी है जिसने कहा था कि अगर कहा था कि पीडीपी एक पाकिस्तानी पार्टी है और देश के बिल्कुल हित में नहीं सोच सकती, थोड़ी देर के लिए सत्ता की लालच में बीजेपी भी कश्मीर का मामला आएगा, जरूर कहूंगा ये बात। आज तो यूपी के परिपक्ष में है ना, वही बीजेपी है जिसको शिवसेना ने कहा था, और बार बार, एक बार नहीं बार बार विपक्ष का नारा दोहराते हुए कहा था चौकीदार छोड़े और रफ्तार में जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी, मायावती और मुलायम एक साथ हैं जेडीयू के साथ, मुझे लगता है ये जो दो। हाँ पल्लवी, जवाब तो दीजिए, आप कहाँ जा रहे? बीजेपी, बिहार, जेडीयू, अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिए, आप कहाँ खड़े हैं आप? और सबसे मायावती ने आपके बारे में कहा है उस पर जवाब दीजिए। और सबसे बड़ी बात है पल्लवी जी, मैं गांधारी तो बन नहीं सकता हूँ कि आंखों में पट्टी रख के और बांध के ऐतिहासिक सच्चाइयों को नज़रअंदाज कर दूं और सारे जितने सारे घटनाक्रम हुए हैं जो हिस्ट्री में हो चुका है उन सब चीज़ों को अगर बयां करूं, उस पर अगर आपको मिर्ची लग जाती है तो ठीक है, एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट होने के नाते तीखे सवाल करना मेरा
अधिकार क्षेत्र में है। लगता है पल्लवी हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है। सत्य प्रकाश अपनी बात पूरी कीजिए। राहुल गांधी ने एक कोशिश करी, पुलवामा अटैक होने के बाद 21 पॉलिटिकल पार्टी की एक मीटिंग बुला ली और सारे पॉलिटिकल पार्टी उस समय खड़े थे, लेकिन जब ये चुनाव में जाते हैं तो इनको पता है कि राहुल गांधी का कोई जमीन है नहीं, उनकी लोकप्रियता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक परिवार के होने के कारण उनको देश पहचानता जानता है, लेकिन वोट की राजनीति में और राष्ट्रीय नीतियों की राजनीति में उनका कोई स्थान न मायावती समझती हैं। और अखिलेश यादव का चूंकि एक अनुभव रहा उनके साथ चुनाव लड़ने के बाद, वो बुरी तरह हार गए, तो उन्होंने सोचा राहुल गांधी को प्रणाम करते हैं और बुआ जी के शरण में जाते हैं। तो बबुआ पहुंचे बुआ जी के पास, दोनों ने दो सीट क्यों छोड़ी, जब एक ही चट्टे बट्टे के थे तो दो सीट छोड़ी। और राहुल गांधी कहीं विदेश में थे, उन्होंने दोनों को बधाई दी। जब दोनों ने तालमेल कर लिया सपा बसपा ने, तो उन दोनों को मुबारकबाद दिया, बधाई दी कि हम लोग एक ही समान विचारधारा वाली पार्टी हैं। लेकिन जब ये उत्तर प्रदेश में जाते हैं और कहते हैं कि ममता नहीं, वेस्ट बंगाल जाते हैं तो ममता को खरी खोटी सुनाते, उत्तर प्रदेश में मायावती और सपा के खिलाफ बोलते हैं और सपा भी बोलती है, तो ये साफ है कि देश के वोटर को एक कंफ्यूजन स्थिति में डालने की कोशिश करना मात्र भर इनका मकसद है। और किसी तरह देश के वोटर कुछ वोट समेट लेना अपने पक्ष में, लेकिन इनको एक बात समझना चाहिए कि वोटर अब सब कुछ जानता है, समझता है कि कौन कहां खड़ा है, कौन किस थाली का है और कौन किधर डुबकी मारेगा और चुनाव के बाद कौन किधर छिपेगा। पल्लवी शर्मा रिएक्ट करना चाह रही है, फिर मैं कपिल जवाब देने दीजिए। अभिषेक जी प्लीज जवाब देने। हाँ आइए। देखिए शीतल जी, बहुत हास्यास्पद लगता है जब जेडीयू के प्रवक्ता खास करके वोटर की बात करते हैं और देश की जनता को कंफ्यूज करने की बात करते हैं। 94-96 से हमारा गठबंधन है एनडीए से, एक राजनीतिक परिस्थिति में जरूर हम अलग हुए थे, नहीं आप क्यों बीच में बोल रहे हैं, सुन लीजिए, पहले घबरा जाते हैं, मैं बोलने लगती हूँ आपको घबराहट पहले हो जाती है मेरे तथ्यों से, आप इतना डरते क्यों हैं, बात सुन लीजिए, मुझे मेरी बात सुन लीजिए फिर उसका काउंटर कीजिए, ठीक है पल्लवी आप बोलिए बोलिए। देखिए ये वही जेडीयू है, ये वही जेडीयू है, जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो अमित शाह जी स्वयं बिहार जाकर बोल रहे थे कि अगर नीतीश कुमार जी जीत गए तो पाकिस्तान में पटाखे फटेंगे। अरे हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं पल्लवी, देश की जनता का पल्लवी, आज का मुद्दा उत्तर प्रदेश है, जो बयान राहुल गांधी ने दिया, जो बयान अखिलेश यादव ने दिया, मायावती ने दिया, आप चले गए बिहार में, आप चले गए बिहार में, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, आज की डिबेट का मुद्दा थोड़ी ना है। ईमानदार राजनीति को बचाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया, ये वही सवाल मैंने यूपी के परिपेक्ष में पूछा, उसका जवाब आपने दिया नहीं। पल्लवी जी, आप अगर बिहार कश्मीर ये सब पे जाएंगे तो फिर तो मैं ये कहूंगा कि ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने कहा था जनता दल सेकुलर के बारे में कर्नाटका के परिपक्ष में कि आरएसएस का बी टीम है, जनता दल सेकुलर आरएसएस का बी टीम है, तो आरएसएस के बी टीम के साथ कैसे जाके सरकार बना लिए। कुदरत में भी तो आपके सांप और नेवला का साठगांठ नहीं होता है, जैसा साठगांठ आप लोगों ने कर्नाटका में किया है सिर्फ कुर्सी के लालच के चलते। जिन्होंने जम्मू और आपके राहुल जी ने नहीं कहा था क्या कर दिया कुमारस्वामी और देवी गौड़ा जी के बारे में कि आरएसएस के बी टीम है। एक छोटा सा ब्रेक मैं ले रही हूँ, एक छोटा सा ब्रेक, इस गर्मा गर्म बहस में लौट रहा है, इस छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए सवाल भारत का। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है, चलती हूँ आरजेडी के प्रवक्ता अभिषेक यादव के पास। अभिषेक, आपके सहयोगी कांग्रेस और मायावती अखिलेश, ये सब क्या चल रहा है, क्या है ये, क्या कंफ्यूजन फैला रखी है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कौन किसके साथ है, कौन किसके अगेंस्ट है, कौन किसका साथी दुश्मन, कई बार क्या होता है, ये महागठबंधन जो बन रहा है सिर्फ मोदी जी के खिलाफ है और ये मोदी जी के खिलाफ बोल भी रहे हैं। कई बार क्या होता है कि नेता के मुंह से बोलना चाहता है कुछ निकल अच्छा, जाता okay. है कुछ आप राहुल गांधी स्लिप ऑफ टंग ऐसा भी समझ रहे हैं कि राहुल गांधी क्या बोलेगा, कोई नहीं, ये धोखे की बात है, धोखे से हो जाता अच्छा, है। एक चीज बताइए, अमेठी में कोई वोट कटवा खड़ा है क्या कांग्रेस से? नहीं नहीं, कोई वोट कटवा खड़ा है कांग्रेस से अमेठी में? कोई वोट कटवा खड़ा है? ये तो मुझे समझ में आ गया प्रियंका गांधी के बयान से, वहां पे भारी मतों से प्रियंका गांधी के बयान से ये लग रहा है मुझे अमेठी में एक वोट कटवा खड़ा है। वोट कटवा वहाँ स्मृति ईरानी खड़ी है? नहीं नहीं, कांग्रेस ने कहा भाई, नहीं
अरे कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता ने कहा है, महासचिव ने कहा, स्मृति ईरानी जी वहाँ पे वोट कटवा खड़ा है, हम एमपी से जरूर खड़ा है, स्मृति ईरानी जी वहाँ वोट कटवा का रोल अदा कर रही है। और राहुल गांधी क्या है, प्रियंका गांधी ने खुद आप प्रियंका गांधी को कहिए शर्म करने, पल्लवी नहीं, ठीक है ठीक है, एक मिनट एक मिनट, पल्लवी शर्मा ये बात गांधी के बयान को एक सेकंड कर रहा हूँ, पल्लवी शर्मा ये बात तो प्रियंका गांधी ने खुद कही है कि हम वोट काटेंगे बीजेपी के, हम वोट काटेंगे बीजेपी के। देखिए शीतल जी, पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जब बाकी सब पैनलिस्ट बोल रहे थे, सब किसी ने बीच में नहीं बोला, जैसे ही मैं बोलना नहीं, पर आप उन तथ्यों को क्यों इग्नोर कर रही हैं, आप तथ्यों को क्यों इग्नोर कर रही हैं, आप सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, बात को रखने दीजिए, चलिए बोलिए, सीधे सवाल का सीधा जवाब दे रही हूँ, जब बोलने देंगे तभी तो, चलिए बोलिए, अब आपको एक मिनट तक कोई नहीं रोकेगा, अनइंटरप्टेड बोलिए। मैं यही बोल रही हूँ, अगर अगर राहुल गांधी जी ने, अगर मेरे पार्टी के अध्यक्ष ने ये बात बोली है कि भाजपा के पास रिमोट कंट्रोल है, तो ये बात देश में किससे छुपी है आप बताइए, किस प्रकार मायावती जी की बहन, मायावती के भाई के खिलाफ ईडी और आईटी को, ईडी और आईटी की रेड बार बार उन पर करवाई गई भाजपा की सरकार ने, किस प्रकार अखिलेश यादव जी पर बार बार सीबीआई की रेडें कराई गई भाजपा की सरकार ने, तो ये बात किसी से नहीं छुपी कि किस प्रकार भाजपा विपक्ष को अपने कंट्रोल में रखने के लिए एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है, पहली बात हुई ये। दूसरी बात, जो आप बयानबाजी के खिलाफ है, शीतल जी आप भी बार बार पूछ रही है कि समझ नहीं आ रही, कंफ्यूजन है कि कौन किसके साथ है, हाँ। तो ये कंफ्यूजन तब नहीं था जब अमित शाह स्वयं कहते थे कि अगर जेडीयू जीत गई तो पाकिस्तान में पटाखे फटेंगे, जब भाजपा कहती थी कि पीडीपी तो पाकिस्तान की पार्टी है लेकिन उनसे हाथ मिला लिया, जब शिवसेना कहती है कि चौकीदार चोर है और रफेल में जांच होनी चाहिए, जो गठबंधन था वो चुनाव लड़ रहा था, खुल के लड़ रहा था, कहा है कि मायावती जी और अखिलेश यादव जी हमारी तरह सम्मान सोच रखने वाली, पर वो तो कहती है कि आप और बीजेपी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक सेकंड, मायावती का आपने मायावती का की बात कही, आइएगा बीच में, लेकिन मायावती तो कहती है कि आप दोनों पार्टियां बीजेपी कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं इस पर भी जवाब देती हूँ। देखिए मायावती जी जब मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई थी और भाजपा तो खाता तक नहीं खोल पाई थी पांच राज्यों में, तब भी मायावती जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उन्होंने बयान दिए थे, लेकिन आज सच्चाई ये है शीतल जी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बसपा और सपा इकट्ठे सरकार बनाकर बैठी है और मध्य प्रदेश के लोगों के हित में काम कर रही है, वहां के किसानों के हित में काम कर रही है, क्योंकि राजनीति से पहले देश आता है, पार्टी से पहले देश आता है, सिर्फ भाजपा नहीं, 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 नहीं कर पा रहे, आपके पास नहीं है लॉजिक। आइए डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर दत्ता, पल्लवी जी, डॉक्टर दत्ता, पल्लवी जी, पल्लवी जी, तीन चार सवाल है आपसे और तीन चार सवालों पे अपना एनालिसिस करके ही सवाल पूछूंगा। मैं समझ सकता हूँ कि प्रियंका वाड्रे जी का विरंभना एनालिस्ट की तरह पूछेंगे या आरएसएस की तरह पूछेंगे, मुझे खुशी हुआ आपने ये बोल दिया, फिर मुझे खुशी हुआ आपने ये बोल दिया, क्योंकि जब आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर आप भाजपा आरएसएस का आरोप लगा लेते हैं मेरे ऊपर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, खुशी हुई है और मैं गर्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपने बार बार यही बात आप रखते हैं, जब मेरे बेहतरीन सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, आपके पास सवाल जवाब नहीं होता है तो आप ऐसे ही वो बात बोलते हैं। आप तथ्यों के आधार पे आपसे तीन चार सवाल पूछता हूँ। मैं प्रियंका वाड्रा जी का विरंभना समझ सकती, प्रियंका वाड्रा जी के तरफ से जो ये वोट कटुआ वाला जो शब्द आ गया ना, वो फ्रस्ट्रेशन से आया है, क्योंकि वाराणसी में तो कह रही थी कि छलांग मारूंगी नहीं मारूंगी, मारूंगी नहीं मारूंगी, और अंत में विड्रॉ हो गई, तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन निकल आया। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, अरे मायावती जी ने ऑन रिकॉर्ड कई बार कहा था कि भाजपा अगर सांपनाथ है तो कांग्रेस नागनाथ है, कांग्रेस अगर नागनाथ है तो भाजपा सांपनाथ है, और अभी जब आपका गुना से जो भाजपा का कैंडिडेट को जो आप लोगों ने हाईजैक कर लिया ना, उसके बाद मायावती जी ये भी कह रही है कि आप समर्थन पे रिव्यू करेंगे, और ये भी हो सकता है कि आपके मध्य प्रदेश की सरकार जो है ना वो डमरू की तरह डगमगाए बहुत जल्दी, क्योंकि बसपा की जो दो विधायक है ना, हो सकता है कि उनका समर्थन वापस खींच ले,
कमलनाथ जी की सरकार से, फिर आप क्या करेंगे? और ये बी टीम सी टीम डी टीम ए टीम, ये तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश को दिया है, ये बाबा ब्लैक शिप करके पढ़ाया है कांग्रेस पार्टी ने। आप लोग कहते थे ममता के बारे में कि ममता बनर्जी बीजेपी के बी टीम, फिर आपने कहा सीपीएम जो है वो भाजपा का बी टीम, देवी गौड़ा के बारे में आपने कहा कि आरएसएस का बी टीम, फिर एनसी के बारे में जब अटल जी के सरकार के साथ थे तो भाजपा के बी टीम, और तमाम जितने सारे बी टीम है उनसे ही आप लोग कटोरी के साथ समर्थन मांगते हैं कि समर्थन दे दीजिएगा तमाम बी टीमों से, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो आपके जनता दल सेकुलर हो, किन सब भी टीमों से आप लोगों ने समर्थन नहीं मांगा है? जब जब आपको आवश्यकता हुई है, जब जब जरूरत होता है तब तो गाली का बौछार करते हो, जब आवश्यकता होती है उन्हीं सब भी टीमों से आप लोग समर्थन ले लेते हो। असल में सच्चाई ये है, मैं ये जो दल दल बंधन है ना, इस दल दल बंधन को मैं कहता हूँ कि दल दल इसलिए है क्योंकि ये स्वार्थ के चलते जो आपस में आ जाता है, ये मैं इसको कहता हूँ साइनाइड प्यार के सब लोग एक साथ नहीं। अभिषेक यादव अब आप आइए, आप कांग्रेस को ब्लेम करें लेकिन आप अपने 21 दलों से समझौता कर चुके हैं, ठीक है, चाहे पंजाब में हो अकाली दल से हो, महाराष्ट्र में शिवसेना से हो, जम्मू एंड कश्मीर में जब आपको लगा जम्मू कश्मीर में जब लगा आपको कि पीडीपी महबूबा मुफ्ती जो है हमारे मतलब का है, तब आपने उसको महारानी बना दिया वहाँ का, और वहाँ उन्होंने किस तरह खिलवाड़ किया देश के साथ, सारी सीमाएं लांग दी उन्होंने, सारे बैरियर तोड़ दिए, सुरक्षा सीमा कोई जांच नहीं होगा, आज उसी का नतीजा है कि पुलवामा इस देश को मिला है। और आप दत्ता साहब एक राजनीति कांग्रेस की ही सरकार है जो लालू जी के खिलाफ सारे कार्रवाई शुरू किए थे चारा घोटाला को लेके, और लालू जी को जेल में पहुंचाने का बहुत बड़ा योगदान अगर जाता है ना वो कांग्रेस पार्टी को जाता है, लालू जी की जब सरकार थी ना और राहुल जी की जब सरकार थी यही कांग्रेस पार्टी है जो समर्थन किया था आप लोगों से, वो दिन भी याद कीजिए। ओके 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 अभिषेक यादव एक सेकंड थोड़ा मुझे डिसिप्लिन लाने दो। पल्लवी आप कहती हैं, आप आरोप लगाती हैं कि जब आप बोलती हैं सब बोलने लगते हैं, लेकिन यहाँ जब दूसरे लोग बोल रहे हैं तो आप किसी को बोलने नहीं दे रही हैं। मैंने आपको पूरा समय दिया, मैं सबको समय दे रही हूँ, आप प्लीज खामोश होकर सुनिए। प्लीज इन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मैंने से पूछा, इसका जवाब तो सुन लेती है। आप बीच में बोली जा रही हैं लगाकर पूछ रहे हैं। अब रुक जाइए एक मिनट के लिए, अब रुक जाइए, कोई नहीं बोलेगा। सत्य प्रकाश पल्लवी, थोड़ा आप अच्छी प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, थोड़ी शांति बनाए रखिए। देखिए कहीं ना कहीं आपके राष्ट्रीय राजनीति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके समझते हैं कि वो गठबंधन बनाने में असफल रहे और मायावती और अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश से नकार दिया, ठीक उसी तरह ममता बनर्जी ने आपको सीट नहीं दी, तो विपक्ष की राजनीति बिखरी हुई थी, इसलिए मैं उसको महाठगबंधन इसलिए कहता था कि राष्ट्रीय कोई नीति नहीं थी, राष्ट्रीय कोई नेता नहीं था, राष्ट्रीय कोई मकसद नहीं था, विरोध का जो स्वर था वो राजनीति में सबसे निम्नतम स्तर का था, चोर शब्द का उपयोग किया, कभी किसी ने राजीव गांधी के जमाने में या नरसिम्हा राव के जमाने में प्रधानमंत्री को चोर कभी नहीं कहा, प्रधानमंत्री की नीतियों की जरूर आलोचना की। पल्लवी जी इस चीज को समझिए कि मायावती ने आपके पूरे वोट बैंक को खिसका दिया यूपी में, इसलिए आपने उसको नकारा। आप इस चीज को समझिए कि दिल्ली में आप केजरीवाल के साथ कोशिश तो कर रहे थे कि तालमेल हो जाए, आप शांत रहिए, आप अच्छी प्रवक्ता है पल्लवी जी, थोड़ा शांत रहिए पल्लवी जी, थोड़ा शांत रहिए, आपको मौका मिलेगा, आप जरूर बोलिएगा, आप इस चीज को स्वीकार कीजिए। आप बार बार बिहार का जिक्र करती हैं, इसके बाद मैं आपके पास आ रही हूं, दो मिनट सुन लीजिए, मैं आपके पास गठबंधन में थे तो आपके साथ मुस्तैदी के साथ तीन पार्टियों के साथ गठबंधन में थे, जब राजनीति में शुचिता का प्रश्न हुआ, भ्रष्टाचार का प्रश्न हुआ, हमारे नेता ने इस्तीफा दे दिया, तो इसमें आश्चर्य क्या बात है? हम जब गठबंधन करते खुल के ना, आपका गठबंधन है उत्तर प्रदेश में और आप टीवी डिबेट में चाहते हैं कि सपा बसपा और
ममता भी सब कोई साथ दिखे और वोट भी अलग अलग समेटे। ये जो नई प्रकार की ये जो कुत्सित राजनीति है उसका अंत इस 2019 के चुनाव में वोटर जरूर करेगा, क्योंकि आप इश्क तो करते हैं दिखाते नहीं और बार बार नफरत की बीज भी बोते चले जाते हैं। इश्क करते हैं दिखाते नहीं, वोटर समझते हैं। पल्लवी, मैं अभिषेक आपके पास आऊंगी, पल्लवी, और फिर कपीश श्रीवास्तव जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं वो भी जुड़ना चाह रहे हैं, मैं उनके पास बाद में उसके बाद चलूंगी, लेकिन पहले पल्लवी शर्मा प्लीज एक एक करके बोलिए, थोड़ा सा डेकोरम। शीतल जी, हाँ जी, शीतल जी देखिए, अभी इन्होंने कहा कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग एक प्रधानमंत्री के लिए किया जा रहा है वो देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये जेडीयू के हैं, मैं इनका जो बायस है वो समझ सकती हूँ, जो इनका दोगलापन है। ये भूल गए जब गुजरात के चुनाव में मोदी जी अपने घड़ियाली आंसू पोंछ पोंछ कर बार बार कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी जो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे, और तब उन्होंने आर्मी चीफ तक को नहीं बख्शा और कहा कि ये सब षड्यंत्र रच रहे हैं मेरी हत्या का, सिर्फ गुजरात में कुछ वोट पाने के लिए जब उन्होंने ऐसा बयान दिया तब इनकी निंद्रा नहीं खुली प्रधानमंत्री के खिलाफ कि किसने कहा था, नीची टिप्पणी का प्रयोग हो रहा है। दूसरी बात, शब्द बताइए जो आपको आपत्तिजनक लगा, अब शब्द लगा बताइए आप। शीतल जी आप इन्हें बीच में बोलने दे रही हैं लेकिन आप मुझे रोक रहे हैं, आपका तो नॉन स्टॉप रिकॉर्ड चल रहा था, सुन लीजिए ना। मैं जब सबसे कह रही हूँ की अपनी अपनी बारे में बोलिए, और सुन नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है कौन क्या बोल रहा है जब चार लोग एक साथ बोलते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से अपनी अपनी बारी में बोलिए प्लीज। पल्लवी बात खत्म कीजिए। दूसरी बात शीतल जी, जेडीयू एक ऐसी पार्टी है जिस पर बहुत बड़ा संगीन आरोप है कि इन्होंने देश के मत के खिलाफ जाकर, देश की जनता का जो चुनाव था उसके खिलाफ जाकर अपनी सत्ता की लालसा को पूरा किया। देश की जनता ने उस गठबंधन को वोट किया जो इन्होंने आरजेडी के साथ बनाया था, लेकिन इन्होंने अपनी सत्ता की लालसा में देश की जनता के मत को ठुकरा कर भाजपा के साथ अपना गठबंधन बनाया। तो ये दूसरों को ज्ञान ना दे, कांग्रेस पार्टी को ज्ञान ना दे गठबंधन के बारे में, तो वही अच्छा। चलो ठीक है, सत्य प्रकाश अब इस पर रिएक्ट करेंगे। ओके, मैं आऊंगी आपके पास। अरे मैं आऊंगी, मुझे कपीश के पास भी जाना है। सत्य प्रकाश पढ़ा पढ़ जवाब दीजिए, पढ़ा पढ़ जवाब दीजिए। उसी महबूबा मुफ्ती से इन्होंने हाथ मिलाया। थोड़ा अब मौका दीजिए, ये किसी से नहीं छिपा है कि जेडीयू ने राहुल गांधी तक को जाकर कहा कि तेजस्वी के खिलाफ रोज जो बेनामी संपत्ति के आरोप और तरह तरह के भ्रष्टाचार की बातें आ रही हैं, आप उनसे कहिए कि वो पब्लिक में आके एक्सप्लेन करे। उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, रोज मीडिया सवाल पूछ रहा है कि क्या आप भ्रष्टाचारियों के साथ बैठे रहेंगे। आप रुकिए, मेरी मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप रुकिए, हमारे मुख्यमंत्री के सत्ता पर कोई संदेह नहीं है। आप रुकिए, आप दो मिनट रुकिए। मुख्यमंत्री तो हम उधर भी थे, सत्ता लोलुपता कैसे होगी? मुख्यमंत्री तो हमारे उधर भी थे, इधर भी है, सत्ता लोलुपता क्या? सत्ता की लोलुपता क्या? मुख्यमंत्री पर कोई सवाल था ही नहीं, यहाँ पे भाषण दे रहे हैं। कुमार के मुख्यमंत्री पे कोई सवाल नहीं था, किसी ने नहीं कहा क्या मुख्यमंत्री को तैयार? आप क्या कहिए, हमारे मुख्यमंत्री हमारे नेता को तैयार है में चुनाव लड़ा आप लोगों ने, उन्हें मुख्यमंत्री पे सवाल नहीं था। सुचिता की राजनीति, ईमानदार चलिए कपीश श्रीवास्तव, बिहार से वापस यूपी में लौटते हैं, यूपी में जो आज का मुद्दा है, कपीश श्रीवास्तव बहुत देर से जुड़ना चाह रहे हैं। कपीश श्रीवास्तव मुझे सुन पा रहे हैं? कपीश श्रीवास्तव जी, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ आपको। ठीक है, आप बोलना चाह रहे थे, आप आइए डिबेट में। आपने मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया है, शुरू से लेके अब तक वो कोई उसका जवाब दे ही नहीं रहा है कि आप किसको अपना दोस्त मानते, किसको दुश्मन। नहीं, मैंने आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन आप कौन सा प्रश्न का उत्तर अपने हिसाब से चाहती हैं वो मैं कैसे जान सकता हूं? से क्यों चाहती हूं? तो अपनी बात कह सकता हूं सिर्फ आपसे। और मैंने चले बात पूरी कीजिए। नहीं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं दत्ता साहब,
मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो बीजेपी के या किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं। कड़वा सच बहुत कड़वा। अच्छा अच्छा, माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा, नहीं हमें ऐसा लगा क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे थे, इसलिए ऐसा लगा। क्षमा चाहते, क्षमा कर दीजिए दत्ता साहब। खुद कैसे, सच्चाई जो है ना वो बहुत कड़वा होता है, मीठा मीठा होता है, और इसीलिए चुपती है आप लोगों को, क्योंकि सच्चाई सच्चाई से जो हकीकत है ना उसको सामने रखना लोगों के सामने, और इसलिए चुप जाती है पार्टी के प्रवक्ता, क्योंकि आप लोग प्रवक्ता होने के नाते जो सच बात है उसको तो हमें हाँ बोल नहीं सकते हो, उसको आप लोगों को काउंटर करना ही है, तो काउंटर कैसे करोगे जो सच बात, जो कड़वा सच और कड़वा सवाल जो एक्सपर्ट पूछ रहा है उसके ऊपर ही आरोप लगा दो और मोहरा लगा दो कि हाँ आरएसएस का है, बीजेपी का है। कड़वा सच बोलने से और कड़वा सवाल पूछने से मैं अगर आरएसएस का हो जाता हूँ या बीजेपी का हो जाता हूँ, देश के हित में अगर सवाल पूछता हूँ, उससे अगर आप लोगों को चुपती है और उस चीज का जवाब नहीं दे सकता हूँ, तो हाँ मैं बीजेपी का हूँ, हाँ मैं आरएसएस का हूँ। कड़वा सच बोलने से अगर चुप जाती है, एक ब्रेक, जवाब नहीं होता है आप लोगों के पास, ब्रेक का वक्त हो रहा है। अरे रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, साइनाइड प्यार में डॉक्टर दत्ता, कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज, थोड़ा सा संयम में आइए, पानी पी लीजिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, सवाल भारत का जारी है, इस ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है, मैं एक बार फिर कपीश श्रीवास्तव के पास चलूंगी। कपीश श्रीवास्तव, मैं एक बार फिर आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि आपकी सहयोगी महागठबंधन की उत्तर प्रदेश में मायावती कहती है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, भरोसा मत करो किसी पर भी, आप इस स्टेटमेंट से इतफाक रखते हैं, इस स्टेटमेंट को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बस सीधा सवाल, मायावती के व्यू पॉइंट से सहमत है कि नहीं? 100% उस स्टेटमेंट के साथ हम खड़े। अच्छा, बिल्कुल उनके स्टेटमेंट के 100% साथ करें और उसका विश्लेषण भी मैं कर दे रहा हूँ, अगर मुझे कोई इंटरप्ट ना करे। बिल्कुल नहीं करेंगे, एक मिनट पूरा आपका। पहली चीज तो ये है, इको हो रही है, थोड़ा इको कम कराइए। ठीक है, उनका ऑडियो कनेक्शन थोड़ा इको कम, टीम उनका ऑडियो कनेक्शन थोड़ा दुरुस्त कीजिए। अब आप एक मिनट पूरा आपका है, आप बोलिए अनइंटरप्टेड। जी देखिए शीतल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक थाली के चट्टे बट्टे की बात है, उसका कारण सिर्फ ये है कि दोनों एक ही नीतियों के पोषक हैं, दोनों पूंजीवादी घरानों के पोषक हैं, दोनों ने आज तक अगर किसी के लिए काम किया है तो निश्चित रूप से औद्योगिक घरानों को बढ़ाने के लिए काम किया है। जो पॉलिसीज पे कांग्रेस चलती रही उसी पॉलिसीज पर भारतीय जनता पार्टी भी चली, बल्कि चार कदम भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस से आगे निकल गई है, कांग्रेस पीछे छूट गई है पूंजीवादियों को अपने साथ लेने में, और भारतीय जनता पार्टी ने टोटल के टोटल इनकी नीतियों पर कब्जा कर लिया है। तो हम इसलिए कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए हैं, थाली के चट्टे बट्टे हैं। किसानों के लिए आज भी आप देख लीजिए, इनके भी समय में लगातार किसान आत्महत्या करता रहा और आज तो सर्वाधिक कर रहा है, इसी तरीके से मजलूम परेशान है। आज बेरोजगारी की दर आप देख लीजिए जिस तरीके से बढ़ गई है। जी आप ये कौन, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं क्या? नहीं, ये जेडीयू के प्रवक्ता हैं, जेडीयू के प्रवक्ता ने आपसे सवाल किया। चुनाव के बाद चट्टे पे बैठेंगे या बट्टे पे? तो ये सत्यप्रकाश जी से कह दीजिए पहले अपने डीएनए को चेक करवाइए। अरे वो ठीक है सर, सत्यप्रकाश जी को कहिए कि अपने डीएनए को चेक करवाइए, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि इनके कपीश श्रीवास्तव सत्यप्रकाश को विंडो में लाइए प्लीज, कपीश श्रीवास्तव डीएनए ठीक करवाइए, जेडीयू सवाल करने बहुत विरोध है, भारतीय जनता पार्टी ने सम्मति दिया हमारी शर्तों पर, आप समझ लीजिए आपके डीएनए मोदी जी के कदमों में सृजन घोटाले के वाले जैसे बिछ गए, के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके अंदर आपकी पोल खुल जाएगी, जो मंत्री आपकी थी घोटाला है मुख्यमंत्री सरकार ने घोटाले को उजागर किया, सामने लाया और सीबीआई जांच का आदेश दिया, उसके लिए रिकमेंड किया,
आप बताइए आप चट्टे पे बैठेंगे या पट्टे पे? चट्टे पे बैठेंगे या पट्टे पे बताइए। मिर्ची लगी है आपको, ये मैं समझ रहा हूँ। मिर्ची सही जगह लगी है। ये जो चट्टा बट्टा का खेल खेल रहे ना, चुनाव के बाद पता चलेगा बैठेंगे आप कहाँ। बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सरकार ने उस घोटाले को उजागर किया और दो दिन के अंदर सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा भेजी और पहला घोटाला है जिसमें धन को वापस बैंक तक पहुँचाया गया, धन का रिकवरी किया गया। आप लोग दुष्प्रचार फैलाते रहिए। बिहार में जनता को पता है कि ईमानदार सरकार 11% के विकास अभिषेक यादव आएंगे, वो जवाब नहीं है। अभिषेक यादव कह रहे थे पूरा आगे भी हम लोग हर जिला वार में जाके जब धरना प्रदर्शन किया, इन पे पूरा प्रेशराइज किया, तब सीबीआई जांच के आदेश दिए। नहीं नहीं गलत बात, नहीं दो दिन के अंदर दिया सर, ये आप इतिहास अरे दो दिन के अंदर दिया पूरा इतिहास पढ़िए, दो दिन के अंदर दिया। ये एक नशे चैनल पे झूठ करके बैंक हम लोगों ने पूरा जवाब डलवाया, यहाँ से बना के कोई हरकत कर रहा था कि बैंक में चेक डालकर सरकारी धन निकाल लेता था और रेखा जमा भी कर देता था की बहन है, ठीक है, संलिप्तता है। आप बताइए अब आपकी अंतरात्मा कहाँ गई? किसकी? एक मिनट, क्या कह रहे हैं? रेखा मोदी कौन है पूछिए ना। अरे क्या गलत बात कर रहे हैं? सुशील मोदी की बहन है, पता ही नहीं है? पता है भाई, ये दुष्प्रचार मत। नहीं दुष्प्रचार क्यों का, आप पता करिए ना। सीबीआई ने नाम निकाला है 48 लाख का, 48 लाख यूपी के परिपक्ष में ही आ जाते हैं। राहुल जी ने कहा है कि ये लोग तो आप मतलब कि बीजेपी के उस पे है, इशारे पे चलते हैं और तिजोरी का जो चाबी है भाजपा के पास है। मायावती जी कहते हैं कि ये थाली के चट्टे बट्टे हैं कांग्रेस और बीजेपी। अखिलेश ने भी, अब यहाँ पे ये आता है कि मुलायम सिंह जी ने जो मोदी जी को संसद के अंदर पहले से ही आशीर्वाद दे दिया, तो मायावती जी क्या 23 तारीख के बाद कहेंगे कि ये तो खट्टा था? पता चल जाएगा कौन क्या करेगा, किस पाले में जाएगा, कौन किसका दुश्मन, कौन किसका दोस्त। ज्यादा इंतजार हमें नहीं करना है, 23 मई का ही बस इंतजार करना है, कुछ ही समय बचा है। इस डिबेट में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुब्रह कमल दत्ता, पल्लवी शर्मा, सत्यप्रकाश मिश्रा, कपीश श्रीवास्तव, अभिषेक यादव, आज की डिबेट पर आपकी राय क्या है जरूर ट्वीट कीजिए @ जनतंत्र TV @ शीतल राजपूत N पर। देखते रहिए जनतंत्र टीवी।